हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर इलेवन द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन ये सोशल साइंस की वर्कशीट है भारतीय संविधान का निर्माण तो ये वर्कशीट हमारी पिछली वर्कशीट की कंटिन्यूएशन में है इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में संविधान के बारे में और डिटेल में बात करेंगे तो कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो जल्दी से वो पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है और उसके बाद इसके follow -up questions देखते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर and डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया was नॉट एन easy affair amid द context ऑफ traumatic एक्सपीरियंस ऑफ partition ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हलाने वाला यह अनुभव जो था हमारा बंटवारे का उसके बाद भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था हाउ एवर द गुड थिंग वाज दट इन इंडिया द कंसेंसस विद रिगार्ड टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ऑलरेडी डेवलप्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आजादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के निर्माण संविधान निर्माण के बारे में लोग सोचने लगे थे उसके बारे में लोग चिंतन मनन करने लगे थे फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी राइट right to फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड to प्रोटेक्ट rights ऑफ द माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो उस समय के दस्तावेजों में भी ऐसा नहीं है कि ये बातें आज की हैं ये उस समय के दस्तावेजों में भी आजाद भारत के संविधान में यह लिखा हुआ था कि सार्वभौमिक व्यसक मताधिकार यानी कि 18 या 18 साल से बड़े होने पर आपका यह अधिकार है कि आप मत दे सकते हैं आप अपना वोट कर सकते हैं स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तो सबके पास जो भारत के जो नागरिक हैं उनके पास ये अधिकार है कि वे स्वतंत्र रहें और इक्वालिटी समानता को एंजॉय करें और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई है और साथ ही माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनके बारे में बात की गई है दिस मीन्स दैट कंसेंसिस ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस अमंग द लीडर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विज्ञान तो इससे इन सारी बातों से ये जो संविधान की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता हमें यहाँ पर बताया गया है इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि संविधान सभा की बैठकों से पहले सभी नेताओं में कुछ बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी तो इससे पहले कि एक बैठक होती वो संविधान सभा की जो बैठक है जब जिस जहां पर ये बात हुई ये चर्चा हुई कि संविधान बनेगा और कैसे बनेगा तो उन बैठकों से पहले ही इन कुछ बुनियादी मूल्यों पर इन कुछ वैल्यूज पर डिसीजन हो चुके थे कंसेंसिस हो चुके थे सहमति हो चुकी थी तो अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा तो देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है सो द ड्राफ्टिंग ऑफ द वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है ये चुने हुए जन प्रतिनिधि प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं तो कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कुछ जन में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिनकी एक सभा बनती है और वह सभा मिलकर संविधान नामक विशाल दस्तावेज की बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उस पे उसको लिखने का जो काम करती है उस सभा को संविधान सभा कहते हैं The Constituent Assembly of India comprised of 299 members. तो हमारी जो संविधान सभा थी भारत की संविधान सभा जो थी वह 299 उसमें सदस्य थे और उनकी पहली मीटिंग हुई थी 9th दिसंबर 1946 को फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉ राजेंद्र प्रसाद तो उसके इस संविधान सभा के जो पहले राष्ट्रपति थे जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बाद में बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद हमारी इंडिपेंडेंट इन इंडिया हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने several rounds of thorough discussion took place on the constitution clause by clause in front of various committees to so, samvidhan sabha ki constituent assembly ki alag alag committees thi और उन अलग अलग कमिटीज में के सामने बहुत बहुत सारे उस पर कई बातों पर चर्चा की गई वहाँ पर कई बातों पर डिस्कशंस हुए और क्लॉज बाय क्लॉज धारा एक एक धारा को लेकर उन पर चर्चा हुई कि क्या हमें रखना चाहिए और उसमें उस पर डिस्कशन हुए उन बातों पर विचार किया गया कि क्या क्या हमें संशोधन संछो, लाने चाहिए इन सब बातों पर विचार किया गया under the leadership of dr Bhimrao ambedkar as the head of the drafting committee constitution was prepared so finally itne sare ye sab jo discussions the ye kiske leadership ke under ho rahe the to inke ye jo prarup samiti thi ये जो drafting committee थी जो draft बना रही थी Constitution का उसके जो प्रमुख थे उनके जो leader थे वो थे Dr. Bhimrao Ambedkar तो इस constituent assembly के वो chairman भी थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया गया इट ऑलमोस्ट टू days इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज टू प्रिपेयर इट एंड फाइनली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ट्वेंटी बट इट केम इन टू इफेक्ट On 26th of January 1950, which we celebrate as Republic Day every year. छब्बीस नवम्बर नाइन फ संविधान पूरे देश को अर्पित किया गया तो so, hame uh, हमें uh, दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन लगे इस संविधान को बनाने में और जब ये बना तो इसे छब्बीस नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया लेकिन ये लागू कब से हुआ ये लागू एक्चुअली उसके अगले साल 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं आगे बढ़ते हैं थर्ड अब इसके बाद ये एक्सेप्ट जब हो गया और लागू हो गया तो संविधान की स्वीकार्यता का क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है Many countries of the world had to rewrite their constitution afresh, or the constitution exists as a mere piece of paper. तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनमें संविधान को या तो दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था या या एक कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो संविधान उतना लागू नहीं हो पा रहा था तो इसलिए या तो उसे दोबारा लिखना पड़ा या फिर कई ऐसे देश हैं जिनमें संविधान मात्र एक किताब बनकर रह गया है सो so, वो सिर्फ ऑन पेपर है लेकिन कोई उसे फॉलो नहीं करता है हाउ एवर ओवर द लास्ट सेवेंटी ईयर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सक्सेसफुल इन बाइंडिंग टूगेदर ऑफ इट सिटीजन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स एंड ट्रीट डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप्स कास्ट क्लासेस रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन इक्वली लेकिन हमारी कंट्री के साथ हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है पिछले सत्तर सालों से भारतीय संविधान जो है भारतीय नागरिकों को जोड़ जोड़े रखने में सफल रहा है और वो इसलिए सफल रहा है क्योंकि संविधान सभी समूह जाति वर्ग धर्म पेशे के लोगों को बराबरी का स्थान देता है हमारा संविधान अलोंग विद दैट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज रिकोगनाइज विच वॉज नॉट प्रेवलेंट बिफोर Pendants. इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी बात थी हमारे संविधान की उसमें सार्वभौमिक व्यसक सार्वभौमिक व्यसक मताधिकार मतलब कि यूनिवर्सल जो कि हर किसी के लिए लागू होगा व्यसक मतलब अडल्ट अडल्ट मतलब 18 या 18 साल से बड़ा मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार वोट देने का अधिकार इसको मान्यता दी गई जो आजादी से पहले नहीं थी लेकिन आजाद होने के बाद ये मान्यता दी गई सार्वभौमिक व्यसक मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को रिकोगनाइज किया गया जो एक बहुत बड़ी बात थी हमारी डेमोक्रेसी के लिए ओवर द टाइम मेनी अमेंडमेंट टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एवर सोल ऑफ दूशन रिमेन इन तो ऐसा नहीं है कि हमारा यू नो नाइनटीन में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और पिछले सत्तर सालों से हम बस वही फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं है कोर्स समय बदलता है चीजें बदलती हैं सिचुएशन बदलती हैं और चेंजेस के साथ जैसे कि जैसे जो नीड देखी गई उन नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी लाए गए हैं संशोधन भी हुए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं आत्मा कहीं खो गई हो या वैल्यू कहीं खो गई हो ऐसा नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान अभी भी उन मूल बातों को फॉलो करता है उन वैल्यूज को फॉलो करता है जिसपे वो बना है तो संशोधन जो होते हैं वो भी उन्ही वैल्यूज को कंटिन्यू रखते हुए होते हैं तो अब इस वर्कशीट के बाद अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है वॉट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा अगर आप यहां ध्यान से देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेक्शन है द ड्राफ्टिंग ऑफ द वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन वन का आंसर आप हिंदी में भी यहां से देख सकते हैं चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं okay? अब चलते हैं प्रश्न दो पर प्रश्न दो है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे ये तो बहुत ही, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये एक्चुअली वे चेयरमैन कौन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने उन्हीं की के लीडरशिप के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया था ये है आपके प्रश्न दो का उत्तर अब क्वेश्चन थ्री पर चलते हैं क्वेश्चन थ्री है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट तो हो गया था वो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को लेकिन वो लागू कब हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ वो इफेक्टिव तब कब से हुआ वो एनफोर्स कब से हुआ 26 जनवरी 1950 से वो एनफोर्स हुआ और यही क्वेश्चन थ्री का आंसर है अब क्वेश्चन फोर पे चलते हैं क्वेश्चन फोर है इफ यू वर आस्क टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर स्कूल वट आर द थिंग्स यू विल टेक केयर ऑफ यदि आपको अपने विद्यालय के लिए एक संविधान बनाने को कहा जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये हम बात पहले ही कर चुके हैं पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि संविधान क्या होता है तो संविधान एक तरह से रूल बुक है तो आप जो भी एक इंस्टीट्यूशन है या एक कंट्री है उसमें आप कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे वो उस किताब में लिखे जाते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि अगर आपको अपने स्कूल के लिए एक रूल बुक तैयार करनी हो तो आप उसमें क्या क्या बातें बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए पर्सनल क्वेश्चन है आप इस पे सोच विचार कर सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं हम आपको थोड़े आइडियाज दे सकते हैं तो जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि आप विद्यालय में ऐसा रूल चाहेंगे कि कहीं पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर विद्यालय के लिए बनाए तो उनमें ये बात हो कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, हर किसी की रिस्पेक्ट हो सब एक दूसरे का आदर करें बच्चे एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं और एक दूसरे पे हंसे नहीं और किसी का किसी को बुरा ना कहें तो इस तरह से हर किसी का आदर हो तो ये आप लिख सकते हैं साथ ही आप रूल बना सकते हैं आप अपने रूल सोचिए कि आप कौन से रूल्स चाहेंगे तो अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में कि रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं तो रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं उस इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप अपने रूल्स बनाइए स्कूल के लिए कि किस टाइम पे हमें आना चाहिए किस टाइम पे हमें जाना चाहिए हमें कक्षा में कैसे रहना चाहिए हमें अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी बिल्डिंग को कैसे संभाल कर रखना चाहिए स्कूल के जो बाकी सामान है जो बाकी चीजें हैं हमें उनसे उन्हें कैसे रखना चाहिए हम स्कूल में जो हमारे बाकी लोग हैं बाकी टीचर्स हैं बाकी जो कर्मचारी हैं हम उनसे कैसे व्यवहार रखें टीचर्स को बच्चों से कैसी बात करनी चाहिए बच्चों को टीचर्स से कैसे बात करनी चाहिए हमें आपस में कौन कौन सी चीजों में भाग लेना चाहिए हम ऐसे कौन से कॉम्पिटिशन्स हम ऐसी कौन सी प्रतियोगिताएं कर सकते हैं जिनसे कि आपस में हमारा मेल मिलाप बने और सभी को अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की सभी को अपॉर्चुनिटी मिले अपने टैलेंट को बढ़ाने की तो इन सब बातों पर आप लिख सकते हैं आप रूल्स बना सकते हैं मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा आप रूल्स सोच कर आएंगे क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको ज्यादा पता है कि कौन से रूल्स हैं जो आप जेनवनली फॉलो कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो बस यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं अब इसके बाद हम अगली वर्कशीट जो है आपकी उस पर काम करेंगे आइए अब हम इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं वर्कशीट इलेवन ये वर्कशीट है डायरी राइटिंग पर तो आपको ऑलरेडी डायरी राइटिंग पर तीन वर्कशीट्स पहले ही मिल चुकी हैं और उसमें अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी तो इसलिए इस बार ये वर्कशीट जो है इसमें कोई आपको हेल्प नहीं दी गई है लेकिन साथ ही साथ कुछ सैंपल्स भी दिखाए गए हैं जो आप में से किसी ने यहाँ पर लिखे हैं तो आप ये सैम्पल्स देख सकते हैं कि, कि कितनी अच्छी तरह से आपने यहाँ पर अपना काम किया है तो इन्हीं सैंपल्स को देखते हुए आज की वर्कशीट भी डायरी राइटिंग पर ही है जो आपको इंडिपेंडेंटली करनी है सो दिस वीक वी विल राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ वी फील अबाउट ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्कशीट्स तो ये डायरी एंट्री किस पर है आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो अभी आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपको जो ये वर्कशीट्स मिल रही हैं आप उस उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में आपको अपनी एक डायरी एंट्री लिखनी है अब साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आपको ये किसी और के आंसर्स कॉपी नहीं करने हैं क्योंकि डायरी एंट्री बहुत ही पर्सनल रिस्पॉन्स है एक टॉपिक पर तो इसलिए ये कोशिश कीजिए कि आपके आंसर्स किसी और से कॉपीड ना हो तो इस वीडियो में भी हम आपको एक सैंपल दिखाएंगे डायरी एंट्री का हम आपको जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से आप डायरी एंट्री ये लिख सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आप उसे एज इट इज कॉपी ना करें क्योंकि डायरी एंट्री एक बहुत ही पर्सनल एंट्री है तो आप बस उसे आइडिया लीजिए आप उसे देखिए पढ़िए और आइडिया लेकर आप अपनी डायरी एंट्री लिखिए आप अपने मन की बातें लिखिए और थीम आपको दी हुई है बहुत ही आसान थीम है तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये डायरी एंट्री लिखिए सो राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउटी वर्ड्स तो अराउंड आपको 150 words में ये लिखनी है आपको किसके ऊपर लिखनी है एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप सपोर्ट बाय योर टीचर्स एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स विच यू गेट तो आपका टॉपिक ये है डायरी एंट्री का कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जैसी चल रही हैं। आपको उस पर लिखना है आपका व्हाट्सएप सपोर्ट आपको टीचर्स किस तरह से दे रही हैं उस पर लिखना है और ये जो वर्कशीट्स मिल रही हैं ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल रहे हैं इनका आपका एक्सपीरियंस कैसा है आपको इस पर डायरी एंट्री लिखनी है अब आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं यू कैन एक्सप्रेस बोथ द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लर्निंग्स एंड द चैलेंजेस यू फेस इन कम्प्लीटिंग दीज टास्क ऐसा नहीं है कि डायरी एंट्री है और आपको डायरी एंट्री लिखने को बोला है तो आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है डायरी एंट्री बहुत ही पर्सनल एंट्री होती है तो आप अपनी मन की बातें यहाँ पर लिख सकते हैं तो आप हर एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे लेकिन साथ ही साथ आप कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के सपोर्ट के मिलने में और ये वर्कशीट्स uh, अटेम्प्ट करने में कौन कौन सी आपकी लर्निंग्स हैं आपने क्या क्या सीखा साथ ही क्या चैलेंजेस आपके रहे आप उसके बारे में लिख सकते हैं हाउ डू यू मैनेज विद दीज ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड हु सपोर्ट यू टेक आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि कैसे आप मैनेज करते हैं ये वर्कशीट्स अटेम्प्ट करना और अगर कोई वर्कशीट आपसे नहीं हो पा रही है तो आप किसकी सपोर्ट लेते हैं किसकी मदद लेते हैं आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया गया है आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है जिसमें ये डेट है फिर आप डे लिखेंगे फिर डियर डायरी लिखेंगे और उसके बाद आप अपना कंटेंट डेढ़ सौ शब्दों में यहाँ लिख देंगे तो आइए हम आपको एक सैम्पल दिखा देते हैं कि आप किस तरह की डायरी एंट्री लिख सकते हैं लेकिन जैसा कि इन्होंने पहले ही कहा है कि प्लीज इसे कॉपी एज इट इज ना करें आप इससे आइडिया जरूर ले सकते हैं लेकिन फिर आइडिया लेने के बाद आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और इसे लाइक like और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू